हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब लर्निंग इंग्लिश विद अभिलाषा मैम आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ कोई लैंग्वेज हम सीख गए हैं हम ऐसा तभी कह सकते हैं जब हम उसको पढ़ करके या सुन करके समझ सकें सो टुडे वी विल सी अ पैराग्राफ वी विल ट्राई टू रीड इट अंडरस्टैंड इट एंड देन आंसर सम क्वेश्चन लेट्स सी वट द कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट Read the following paragraph and answer the questions that follow. Read paragraph and answer the questions. English is a useful language. The people who speak English today make up the largest speech community in the world. A speech community is similar to other hands of communities. The people who make up the community share a common language often they live side by side as they do in a neighborhood a village or a city more often they form a whole country many nations are composed of a single major speech community example italy sweden and japan National boundaries, however, are not always the same as the boundaries of a speech community. Some nations, for example, Switzerland, Russia, and India are made up of many speech communities. So we read the paragraph. Now it's time to understand it. English is a useful language. English is a language. the people who speak English English today make up the largest speech community in the world. वे आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पीच कम्युनिटी का निर्माण करते हैं स्पीच कम्युनिटी मीन्स भाषाई समुदाय आ स्पीच कम्युनिटी इज सिमिलर एक भाषाई समुदाय सिमिलर होता है समान होता है टू अदर हैंड्स ऑफ कम्युनिटीज़, दूसरी कम्युनिटीज़ या समुदाय की तरह ही द पीपल हु मेक अप द कम्युनिटी वे लोग जो एक कम्युनिटी या समुदाय को बनाते हैं शेयर शेयर करते हैं अ कॉमन लैंग्वेज एक समान भाषा ऑफ़न अक्सर दे लिव वे रहते हैं साइड by साइड आस पास एज दे डू इन अ नेबरहुड जैसे वो रहते हैं एक पड़ोस में a विलेज गांव में और a सिटी या शहर में मोर ऑफ़न अक्सर दे form a होल कंट्री वे एक पूरे देश का ही निर्माण करते हैं मैनी नेशंस बहुत से राष्ट्र आर composed ऑफ अ सिंगल मेजर speech कम्यूनिटी एक अकेली बड़ी मेजर स्पीच कम्यूनिटी से बने होते हैं एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इटली स्वीडन एंड जापान। नेशनल बाउंड्रीज हाउ आर नॉट ऑलवेज़ द सेम एज़ द बाउंड्रीज ऑफ आर स्पीच कम्युनिटीज़ किसी भाषाई कम्युनिटी समुदाय की तरह ही नेशनल बाउंड्रीज भी हों ऐसा आवश्यक नहीं है सम नेशंस कुछ राष्ट्र फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए स्विट्ज़रलैंड, रशिया एंड इंडिया आर मेड अप ऑफ मेनी स्पीच कम्युनिटीज़ तो स्विट्ज़रलैंड रशिया एंड इंडिया जैसे देश कई स्पीच कम्युनिटी से मिलकर के बने होते हैं नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग सी सम क्वेश्चन वन विच इज द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्पीच कम्युनिटी कौन सी है क्वेश्चन टू वट इज वन एस्पेक्ट ऑफ पीपल हु मेक अप अ स्पीच कम्युनिटी एक स्पीच कम्युनिटी को बनाने वाले लोगों का एक एस्पेक्ट या पहलू क्या है क्वेश्चन थ्री नेम एनी टू सिंगल मेजर स्पीच कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड तो यहाँ पूछा है कि वर्ल्ड में दुनिया में कोई ऐसे दो स्पीच कम्युनिटीज़ का नाम बताइए जो सिंगल मेजर स्पीच कम्युनिटीज हों क्वेश्चन फोर नेम टू कॉमन स्पीच कम्युनिटीज़ दैट एक्सटेंड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़ तो यहाँ आपसे पूछा है कि ऐसी दो कॉमन स्पीच कम्युनिटीज़ के नाम बताइए जो नेशनल बाउंड्रीज देशों की सीमाओं से बाहर फैलती हूँ क्वेश्चन फाइव पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज फॉलोइंग दिए गए पैसेज से ऐसे वर्ड्स को छाटिए जिनका नीचे दिए गए शब्दों जैसा ही अर्थ हो ए लाइक बी Made up of, C group of people having the same interest. So इनका अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग समझा दूंगी तो आपको आंसर ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा सो so, थोड़ी मेहनत तो खुद ही कीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सो so, गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको सोल्यूशन ट्यूटोरियल में बताऊँगी If you like today's video, then please like, share, and subscribe my channel Learning English with Abhilasha Ma'am on YouTube. That's all for today. See you next time.